हाँ भैया राशन में आ जाएगा। ठीक ठीक थैंक यू भैया। यार गूगल मैप पे तो कोई दिख तो रहा ही नहीं है प्रतिमा वाला ये रास्ता, किसी को लगता है पूछना ही पड़ेगा। अरे भैया हाँ ये बोलो। राशन यही है क्या भैया? हाँ राशन यही है। अच्छा आप राशन के हो? हाँ आप कहाँ से आए हो? अच्छा मैं तो गोरखपुर यूपी से आया हूँ। अच्छा यहाँ बोलो क्या हुआ? एक महाराणा प्रताप की यहाँ जिला मुख्यालय पर कोई भव्य प्रतिमा होगी, मैं आज पूरा दिन वहाँ बिताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ। वो क्यों देखना चाह रहे हो आप? मैं बचपन से वहीं हम गोरखपुर में ही बड़े हुए, वहाँ पर महाराणा प्रताप की इतनी स्कूल कॉलेज है, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, तो मैं उनसे बहुत मन से जुड़ गया। तो आप महाराणा प्रताप, आप भी महाराणा प्रताप देखना है? महाराणा प्रताप का जन्म स्थली और कर्म स्थली दोनों राजसमंद जिला मुख्यालय में बिल्कुल 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 सही आदमी से मिले हो आप। बिल्कुल मैं आपको सारी प्रतिमाएं दिखा दूंगा। आप तो अरे भाई साहब कोई राजसमंद है चोरिया नहीं बेवे, आप तो आओ हमारे लड़े कहीं नहीं बेगा। आओ बैठो, आप तो महाराणा प्रताप सही आदमी मिले, बैठो 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 बैठो, पूरा दिन वहीं बिताऊंगा भाई। बिल्कुल सही सारी प्रतिमाएं दिखा दूंगा मैं आपको। कितना दूर है भाई साहब? बस ये एक तो यही है, एक मिनट बता देता हूँ यार। अब उतरो तो सही यार। ये भाई साहब कहाँ? ये एक तो यही कहाँ? आप मेरी आंखों से देखो ना यार, ये नहीं दिख रहा आपको खाली चौराहा? अरे भाई साहब ये कागजों में यहाँ पे बनी हुई है हमारी, ये जिला परिषद चौराहा है यहाँ पर। आप असली वाली बता दो। तो भाई साहब यूपी से आए हो तो यहाँ पे भी एक बार धोख तो लगो यार। ये अपने महाराणा प्रताप है, प्रतस्मरणीय महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आज भाई बिल्कुल ये दो तीन है, आप तो निश्चिंत रहो यार, राजसमंद में आए हो आप। बताओ बताओ भैया, आ जाओ आप बैठो। भाई साहब हाँ ये है हमारा ये दूसरा भव्य स्मारक, अमर जवान ज्योति स्मारक के बिल्कुल बैक में। अच्छा ये है, ये देखो आप कुछ। अरे यार भाई साहब ये भी कागजों में है और यहाँ पे भी धोख लोगो सब कागजों वाला असली वाला। अरे भाई साहब एक बार धोख तो लोगो यार, फिर बताता हूँ मैं आपको। प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के श्री चरणों में उनकी पुण्यतिथि पर सत सत वंदन। सत सत वंदन भाई साहब, मेरे प्लीज बता दो, मेरे पूरा बिल्कुल श्री चरणों में उनके भव्य स्मारक के नीचे बैठना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लेके चलो आप भाई साहब, ले चलो मेरे को जल्दी से। हाँ बिल्कुल ले चलते हैं आपको सनवार पहाड़ी पर, बिल्कुल भव्य प्रतिमा। हाँ हाँ बिल्कुल देखो आप तो पहाड़ी पे तो अद्भुत दिखे। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बेटा आ जाओ भैया। ये है अपन आ गए हैं सनवार भवानी माता की मंगरी। मंगरी भवानी माता को तो प्रणाम है। ये 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 इधर धोख लगो, ये देखो भव्य प्रतिमा, भव्य महाराणा प्रताप प्रतिमा। प्रतिमा नहीं देखी आपको? अच्छा ये वाली कागजों में ही है। जब क्या यार क्यों परेशान करो, और धोख लगो धोख लगो यार आप तो। परम पूज्य महाराणा प्रताप की श्रद्धांजलि पर सत सत नमन वंदन, पुण्यतिथि पर सत सत नमन। प्लीज मेरा हाथ जोड़ो, मेरे को ले चलो भाई। एक बार अभी मैं भूल गया, एक बार और धोख लगो यार अभी मैं एक मिनट, एक बार और धोख लगो। यहाँ पर क्या है कि दोनों पार्टियों ने कर रखी है घोषणा, इसलिए प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप की दो दो, दो, दो मूर्ति है, अलग अलग दो मूर्ति बन रही है। अब प्लीज मैं सब जगह लग गया भैया, चलो अभी अभी बिल्कुल अब मैं आपको ले जाता हूँ फाइनल एक अच्छी मूर्ति पे, भव्य प्रतिमा। मेरा पूरा दिन आधा दिन निकल गया भाई साहब, जबरदस्त। मेरे को उनके सिर चरणों में बैठे रहने दो, चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज आपका पूरा दिन महाराणा प्रताप के साथ है। चढ़ा के लाए मेरे को और वापस आ रहे हो। अरे आप बिल्कुल व्यवस्थित आदमी हूं मिला हो आज। चलो चलो भैया, ये कहाँ लिया है भैया आप मेरे को? ये भाई साहब कलेक्ट्री, राजसमंद कलेक्ट्री के पास में जेके गार्डन, और यहाँ पर सेंटर में एक भव्य मूर्ति, ये देखो आप। ये भी कागजी है सामने? हाँ भाई साहब यह धोख लगो ना यार आप। भैया आप मैं उनके तो लगू नहीं लगू, आपके धोख लगा मेरे को, प्लीज आप माफ करिए मेरा। आप सुबह से मजाक बना रहे हैं, मैं इतना दूर से आया हूं, ये अंतिम मूर्ति है। अब मैं आपने मेरी बहुत असली मूर्ति यहां पर धोख लगाओ। आपने मेरी बहुत मदद की सुबह से, आपकी पूरी मदद के लिए शुक्रिया धन्यवाद। मैं भाई साहब अभी असली वाली मूर्ति में लेकर चलता हूँ यार, आप अब क्या याद करोगे आप, लास्ट वाली जो है असली वाली मूर्ति बस। सारी कागजों में बनी नहीं नहीं, एक मूर्ति असली वाली भी है। चलो आप असली वाली, मैं आपके कहने से मैं ये लास्ट। हाँ अगली बार असली वाली मूर्ति में। हे महाराणा प्रताप, प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप, आपकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन, सत सत वंदन, सत सत नमन। अब भैया मुझे प्लीज, चलो 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 भाई साहब बिल्कुल चलो चलो। अब आ गए हैं हम ये महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा, ये एसपी ऑफिस के बिल्कुल सामने है।
अरे इधर इधर कहाँ देख रहे हो भाई साहब, ये देखो ना महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा हमारे राजसमंद शहर की, ये एक बात बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके अलावा कोई प्रतिमा हमारे यहाँ राजसमंद शहर में नहीं है। मजाक कर रहे हो भाई साहब, आप वापस मजाक कर रहे हो, पहले कागजों में घुमाया, अब ये आप एक छोटी सी प्रतिमा के यहाँ लाए, ये तो जिला मुख्यालय, ये तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली और कर्म स्थली है, यहाँ तो बहुत बड़ी प्रतिमा होगी, वहाँ ले जाओ भैया, होनी ही चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कागजों में सारी प्रतिमाएं चल रही है, लेकिन भव्य प्रतिमा वास्तविक रूप से इसके अलावा कुछ नहीं है, यही प्रतिमा। और आज हम पुण्यतिथि पर इसी पे देखो हम सब ने फूल चढ़ाए हुए हैं, और अब आप दिन भर यहीं बैठने का प्लान है तो यहीं बैठो आप, और मैं चल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ। अरे भाई साहब, हम हर महीने ज्ञापन देते हैं महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगवाने के लिए, तो आज हमारे कुछ कार्यकर्ता और खड़े हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया तो प्लीज एक काम मेरा छोटा सा आप कर दो, मेरे को आप उधर जा रहे हैं वापस बस स्टैंड। अरे तो आपने 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 कहा कि भाई मेरे को तो दिन भर यहीं रहना है, तो बैठो ना यार यहीं पर, गोरखपुर वाली बस में बिठा दीजिए आप, थोड़ी तकलीफ पड़ेगी आपको, पर मैं वापस जाना चाहता हूँ। नहीं तो यहाँ बैठने का प्लान था आपका, तो भाई साहब आप कभी हमारे गोरखपुर आइए, वहाँ आपको महाराणा प्रताप के कॉलेज मिलेंगे, भव्य प्रतिमा मिलेगी, यहाँ से तो ज्यादा मैं महाराणा प्रताप से वहाँ जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैं अब वहीं जाकर महाराणा प्रताप की मैं अगर जो भी मेरे सेवा चाकरी करनी है वही कर लूंगा, जो मेरे को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है उनको पुष्प रणन में वहीं जाकर सब कुछ कर लूंगा, मेरे को आप प्लीज गोरखपुर वाली बस में बिठा दीजिए। अरे यार बात तो ठीक है, चले जाना, पर यूँ करो कि अभी हमारे इस ज्ञापन दे रहे हैं तो उसके साथ चलो, क्या मालूम इतने सालों से हम तो दे ही रहे हैं ज्ञापन और देते जा रहे हैं, हर नेता को भी दे रहे हैं, हर मंत्री को दे रहे हैं, अब तक कुछ हो नहीं पाया, हो सकता है आपके कहने से अगर काम हो जाए तो चलो आज चलिए, आज इस अवसर पर पावन पुनीत चलिए इस प्रतिमा को हम आज दर्शन कर रहे हैं, और अगली बार जब मैं गोरखपुर से आऊँ तो मैं उम्मीद बिल्कुल 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 भगवान चाहेगा तो जरूर होगा। देखो आप और आप आइए कभी गोरखपुर, बिल्कुल कितनी भव्य प्रतिमा लगी, बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे।